हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने वाली पालक और मूंग दाल की मंगोड़ी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। एक कटोरी खड़ा मूंग हरा वाला, फिर उसके बाद 200 ग्राम पालक, एक प्याज, एक इंच अदरक का टुकड़ा है, कुछ धनिया पत्ती, करिया पत्ती, फिर अजवाइन हाफ स्पून है, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट है, कूटी लाल मिर्च है, हाफ स्पून जीरा, फिर उसके बाद 3 हरी मिर्च है और हींग और तेल तलने के लिए। सबसे पहले मैं मूंग दाल को धो के 2 घंटे के लिए भीगने रख दूंगी और पालक को काट लूंगी। मूंग दाल 2 घंटे भीग चुका, अब मैं इसको कर रही हूँ ग्राइंड। ये वही मूंग दाल है जिससे हम लोग स्प्राउट बनाते हैं, खड़ा मूंग दाल। आप साफ़ वाला येलो वाला मूंग दाल भी यूज़ कर सकते हैं, बट हरा मूंग दाल से बनाओ तो वो हेल्दी भी रहेगा, इसमें फाइबर रहेगा, टेस्ट भी अच्छा रहेगा। अब मैंने डाला है 3 हरी मिर्च, उसके बाद मैं अदरक को टुकड़ों में काट के डाल रही हूँ। आप मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना, क्योंकि इसमें हम लोग कूटी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल करेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ करिया पत्ती का एक स्ट्रिप, मैंने ग्राइंड कर लिया है। मैंने ग्राइंड करते समय बहुत कम पानी का इस्तेमाल किया है, मैंने बहुत ज़्यादा चिकना भी नहीं किया और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा, मतलब थोड़ा सा दरदरा है। अब मैंने बाउल लिया है, बाउल में डाल रही हूँ दाल के बैटर को डाल के। अब मैं इसमें डालूंगी बाकी के मसाले। वैसे तो मंगोड़ी सिर्फ मूंग दाल के बनते हैं, बट हम लोग इसमें वेजिटेबल ऐड कर रहे हैं, स्पिनिच, आप चाहो तो गाजर, बीटरूट, शिमला मिर्च, जो आपको पसंद है वो वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। अब मैंने इसमें डाला कूटी लाल मिर्च और अजवाइन हींग, उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ स्पून जीरा। अजवाइन और हींग डालने से डाइजेशन अच्छा होता है। उसके बाद मैंने इसमें डाला है पालक, पालक को मैंने अच्छे से चॉप कर लिया, उसके बाद डाला है नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, उसके बाद प्याज को बारीक चॉप करके डाल दिया है। डाल के अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, हाथ से मिक्स करो तो ज़्यादा अच्छे से मिक्स होता है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। हमारा बैटर ऐसा रहना चाहिए कि इसके गोले बने। अब मैंने इसमें डाला धनिया पत्ती, धनिया पत्ती डाल के मैं आपको दिखा रही हूँ, ये अच्छे से बाइंड हो रहा है, मतलब इसके गोले बन रहे हैं, इसी कंसिस्टेंसी का रहना चाहिए। इनकेस अगर आपके गोले नहीं बनते तो आप 1 स्पून बेसन इसमें ऐड कर लेना। अब तेल अच्छे से गर्म हो गया, मैं मंगोड़ी बना रही हूँ। मंगोड़ी बना के मैं इन्हें अच्छे से फ्राई करूँगी। डालते समय तेल गर्म था, मैंने इन्हें मीडियम हाई फ्लेम पे फ्राई किया है। गैस का फ्लेम ना ही हाई होना चाहिए ना ही बहुत ज़्यादा लो होना चाहिए, हमें मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है, अदरवाइज ये ऊपर से जल जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अगर लो फ्लेम पे करेंगे, धीमी आंच पे, तो तेल बहुत ज़्यादा सोख लेंगे। मैंने मीडियम फ्लेम पे ऊपर नीचे पलटते हुए अच्छे से फ्राई कर लिया है। इसी तरीके से हम सारे मंगोड़ियों को तल लेंगे। ये मंगोड़ी टेस्टी तो है ही, साथ में हेल्दी है, क्योंकि इसमें हम लोग खड़ा मूंग इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्रेश पालक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हेल्दी तो बनेगा ही। मैंने बना के मैंने सर्व कर रही हूँ टमाटो सॉस के साथ। आप इसे किसी के भी साथ सर्व कर सकते हो, अदरवाइज़ ये ऐसे भी बहुत टेस्टी लगते हैं। अभी बरसात का टाइम है, शाम में गर्मा गर्म चाय के साथ मंगोड़ी बना के खाओ, बहुत ही टेस्टी लगेगा, साथ ही बहुत हेल्दी है, बहुत जल्दी बनेगा। मेरे सारे मंगोड़ी बनके रेडी है, मैंने इसे सर्व किया है टमाटो सॉस के साथ। आप भी इसे बनाइए। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।